हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अभी फिलहाल हम खड़े हैं भाई दिल्ली में, लेकिन कार हमारे पास आई है MH01 यानी कि भाई नवी मुंबई महाराष्ट्र से। तो गाड़ी की लुक आप लोगों ने देख लिया है, सिनेमेटिक देख लिया है, कौन सा वेरियंट था कि आप लोग बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मॉडल तो आपको पता चल जाएगा वीडियो देखते देखते कि कौन सा वेरियंट हमने मॉडिफाई करा है, लेकिन जो मुंबई से स्पेशल गाड़ी आई है, किस चीज़ के लिए आई है, क्या बनने के लिए आई थी, क्या बना के भेज रहे हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में आते हैं। हमने भैया को 55,000 विद पियानो ब्लैक ओरिजिनल ग्रिल, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आती है एक्स लाइन के अंदर, विद DRL, विद हेडलाइट, विद अपने आइस क्यूब वाली हेडलाइट, विद इंडिकेटर फंक्शन, विद DRL, एवरीथिंग भैया को ओनली फॉर 55,000 में करके दिया है। मुंबई से गाड़ी आई थी, स्पेशल रिगार्ड किया गया है। क्रोम आती है, इस क्रोम को पूरा का पूरा हम लोगों ने सैटन मैट ब्लैक के अंदर डन किया है। या आप फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं, क्रोम आती है लेकिन हम लोगों ने सैटन मैट ब्लैक करा है। पास से फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिनिशिंग एंड सैटन मैट ब्लैक लुक चेकआउट कर सकते हैं कार की। जो आंखों से दिखेगा वो कभी कैमरे में तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग एक नेक्स्ट लेवल पे करी है। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना, ये वाला पार्ट हो गया, साथ में हमारा अलग पार्ट हेडलाइट का आता है, ये वाला पार्ट हो गया, उसके नीचे अपना ये वाला जो ग्लॉस आता है ये हेडलाइट के साथ आता है, तो इसको ग्लॉस ही छोड़ दिया, बाकी पूरा मैट करा है। लुक चेकआउट कर सकते हैं फॉग लाइट्स प्रोजेक्टर वाली के अंदर। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा वेरिएंट है, तो ये है HD के प्लस वेरिएंट, जिसके अंदर फॉग लाइट कंपनी से आती है। 2.5 डायमीटर की अपनी फॉग लाइट्स होती है प्रोजेक्टर वाली, इसके अंदर हम लोगों ने LEDs इंस्टॉल करी है। 200 वॉट की 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी रहेगी। फ्रेम पहले से ग्लॉस ब्लैक इसमें लगा हुआ था। फ्रंट प्रोफाइल में इसको हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्लॉस ब्लैक में कन्वर्ट करा है, जिसके अंदर हमने नॉर्मल ग्लॉस ब्लैक नहीं करा। फिनिशिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितना हाई ग्लॉस हम लोगों ने इसको ग्लॉस ब्लैक में कन्वर्ट करा है। एंड फ्रंट की पूरी प्रोफाइल की लुक देखोगे तो बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली लुक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप लोगों का हेडलाइट DRL हो गई अपनी, फॉग लाइट्स हो गई, पूरा सैटन ब्लैक का सेटअप हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब कार का जो एक्चुअल कलर है वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। कार का एक्चुअल कलर है अपना ग्रे, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ये ग्रे कलर की है, लेकिन हमने इसके अंदर मैट PPF करके जो टॉप वेरिएंट में कलर आता है सेम उसी से रिजेम्बलेंस मैट ग्रे जो अपना एक्स लाइन के अंदर कलर आता है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। मैट PPF इसके ऊपर पूरी डन कर दी है। कार को बनाने में हमको लगे हैं भाई 2 दिन, जिसमें एक दिन हमारा PPF में गया है, एक दिन हमारा एक्सेसरीज में गया है। अब चलते हैं हेडलाइट की थ्रो की तरफ, क्योंकि टॉप वेरिएंट की इंस्टॉल करी है। काफी लोग विदाउट कैनवस करते हैं तो एरर का इशू रहता है। सबसे पहले थ्रो दिखा देता हूं आप लोगों को, ये इसकी थ्रो आने वाली है अपनी, पूरी रोड पे थ्रो चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का थ्रो आएगा टॉप वेरिएंट का। फिर दिखाऊंगा मीटर, मीटर में किसी तरीके का कोई भी एरर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला। अगर कोई भी एरर होता आप लोग देख पाते, कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, एक हैंड ब्रेक का, एक सीट बेल्ट के अलावा सारे आप लोगों को चेकआउट करा दिया है। तो जितनी भी वायरिंग होती है कोई वायर कटिंग नहीं होती, पूरा फिटमेंट जो होता है वो 0-0 होता है। तो ये आप लोगों को मैंने इसलिए सेटिस्फेक्शन के लिए एरर दिखाया, काफी लोग सोचते हैं टॉप वेरिएंट लगाएंगे तो क्या होगा। साइड मिरर एडजस्टेबल आते हैं इस वेरिएंट के अंदर, हम लोगों ने चेंज करके इंडिकेटर वाले फोल्डिंग वाले इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए, उसकी भी फिनिशिंग आप लोगों को दिखा दूंगा अंदर से जो हमने इंस्टॉल करे हैं। लॉक अनलॉक पे भी करेगा, वैसे भी आपका वर्किंग है। डोर वाइजर कंपनी से लगे हुए थे, रूफ रेल्स इस मॉडल के अंदर आती है लगी हुई, लोअर गार्निश कंपनी से लगी हुई है, साइड बीडिंग भी कंपनी से लगी हुई है, डोर गार्ड भी कंपनी से लगे हुए हैं। पीछे आ जाते हैं, अलॉय व्हील का लुक चेकआउट करा देता हूँ। टॉप वेरिएंट एक्स लाइन का अलॉय व्हील 18 इंचेस विद JK टायर हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। HD के प्लस 2000 किलोमीटर चले हुए टायर इसके अंदर लगे हुए आए थे, वो हम लोगों ने रिप्लेस करके JK टायर ओरिजिनल ब्रांड न्यू विद 18 इंच अलॉय व्हील इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो लुक चेकआउट कर सकते हैं पूरी, एंड प्लस कैलिपर भी रेड कर दिया है थोड़ा स्पोर्टी लुक दिखाने के लिए, तो कैलिपर रेड कर दिया। बैक साइड पे आते हैं, टेल लाइट्स इस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को मिल जाती है लगी हुई, लेकिन आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। वाइपर आता है, डिफोगर आता है, बैक साइड पे एक स्पॉइलर ऐड ऑन कर दिया हम लोगों ने ग्लॉस ब्लैक, ताकि लुक जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाए। आ गए अंदर की साइड, तो आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। स्टेयरिंग रैप इसमें कंपनी फिटेड आता है, क्रूज कंट्रोल अपना आता है, स्टेयरिंग कंट्रोल आता है। अगर आप बेस वेरिएंट में कराएंगे तो ये चीज आपको एडिशनल लगानी पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ। स्टेयरिंग रैप कराना पड़ेगा, क्रूज कराना पड़ेगा, स्टेयरिंग कराना पड़ेगा। बाकी फ्रंट का जो सेटअप मैंने दिखाया हेडलाइट ग्रिल का, वो आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहे तो करा सकते हैं। फॉग लाइट के लिए भी ऑप्शन आते हैं बेस वेरिएंट के लिए, प्रोजेक्टर वाले 3 इंचेस में जो कि 6500 से स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी लगवा सकते हैं। तो वो तो आप, मैं वीडियो उस हिसाब से बना रहा हूँ। कोई HD के प्लस के लिए देख रहा है कि भाई कैसे कार मॉडिफाई हो सकती है, तो उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि प्रॉपर HD के प्लस 2X लाइन बनी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड सेकेंडली अगर कोई बेस वेरिएंट वाला देख रहा है तो उनके ऐड ऑन चीजें मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं एम्बियंस लाइट की तरफ, डोर पे। तो सबसे पहले एम्बियंस लाइट K4 इंस्टॉल कर दिया, पूरी की पूरी रनिंग रहेगी अपनी, डोर से डैशबोर्ड तक जाएगी, फिर उस दूसरे डैशबोर्ड तक अपनी निकलती हुई पूरी जाती है। तो ये अपनी पूरी की पूरी एम्बियंस लाइट का लुक रह गया। उसके बाद हम लोगों ने जो स्विच लगाया, स्विच आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया प्रॉपर हम लोगों ने।
फिनिशिंग भी 0-0 है, ये अपना पेंसिल का निशान रह जाता है, तो पूरी 0-0 में फिनिशिंग में इसको भी डन कर दी हम लोगों ने। उसके बाद बेस वेरिएंट वाले भाइयों को गियर नोब भी लगाना पड़ेगा, इस कार के अंदर नीड नहीं रहती। चलता हूँ उसके बाद डैशबोर्ड पे, तो इंटीरियर हम लोगों ने पूरा का पूरा डन करा है, डुअल स्टिचिंग करी है जिसके ऊपर, और टॉप वेरिएंट वाला अपना आइस ग्रे कलर हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, ताकि आप लोगों को पूरा लुक मिल जाए, जो कि टॉप वेरिएंट के अंदर आता है, लेदर रैप और सॉफ्ट टच डोर्स पे आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके की कंडीशन अपना पूरा डुअल स्टिचिंग में सॉफ्ट टच रहता है। तो पूरा सॉफ्ट टच उस चीज से रिलेटेड आ गया, 0-0 फिटमेंट कॉर्नर टू कॉर्नर आप लोगों को पूरी पूरी मिल जाती है इसके अंदर। बाकी ये पैनल ग्लोसी कराने का और ये पैनल ग्लोसी कराने का ऑप्शन आप लोगों के पास हमेशा रहता है, वो आप लोग एड ऑन में करा सकते हैं, जिसके साथ ये वाला पोर्शन बेस वेरिएंट में ग्लोसी आपको कराना पड़ेगा, इसमें आता है। आर्मरेस्ट पे फैब्रिक हम लोगों ने इंस्टॉल करा है इसके अंदर, सीट कवर जीटी लाइन डिजाइन के डाले हैं, जो कि अपना आता है ब्लैक विद आइस ग्रे, वैसे पूरा भी डाल सकते थे एक्स लाइन वाला, बट इनको ये जीटी लाइन वाला चाहिए था, ब्लैक भी चाहिए था, तो ब्लैक वाला डाला है। इसमें भी 20 mm फोमिंग रहती है आपकी, पूरी डुअल स्टिचिंग पूरी प्रॉपर रहती है। उसके बाद अपना ये पूरा साइड पोर्शन में रहता है 0-0 फिटमेंट। फ्लोरिंग एंड मैटिंग, मैटिंग तो इसमें कंपनी से डली हुई है, सेल्टोस की जो आती है, बट फ्लोरिंग सिलाई वाली डली हुई है, जो इन्होंने आफ्टर मार्केट शायद मुंबई में कराई होगी। तो ये था भाई अभी तक गाड़ी का रिस्पॉन्स। साउंड आउटपुट में कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ हमने डैम्पिंग इंस्टॉल करी है 2.5 mm थिकनेस की, जो कंपनी फिटेड स्पीकर थे, जो हेड यूनिट कंपनी फिटेड है, स्टीरियो सेम एज इट इज वही हमारा इसमें इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा कुछ भी नहीं हम लोगों ने ज्यादा इसमें चेंजेस करे, मोस्टली एक्सटर्नल पार्ट पे था, पीपीएफ थे, अलॉय थे, हेडलाइट यूनिट चेंज करनी थी पूरी टॉप वेरिएंट वाली, इनर पार्ट पे सॉफ्ट टच था, सीट कवर था और डैशबोर्ड रैप, ताकि अंदर से भी एक्स लाइन वाली लुक आए। बाकी सन मूनरूफ इसके अंदर ऑलरेडी आती है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बेस वेरिएंट वाले भाई एड ऑन नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सॉरी। बाकी जितनी मैंने चीजें दिखाई है वो सारी आप लोग एड ऑन कर सकते हैं बेस वेरिएंट में भी। तो होपफुली वीडियो देख के मजा आया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना मत जाना। पीपीएफ के अलावा गाड़ी का बजट जो गया है भाई, वो गया है 2 लाख रुपए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी पर्टिकुलर किसी आइटम की आप लोगों को प्राइसिंग चाहिए कि भैया सिर्फ एम्बियंस लाइट की बता दो, सिर्फ डैम्पिंग की बता दो, सिर्फ ऑडियो सेटअप की बता दो, लिस्ट बनाओ, व्हाट्सएप कर दो नीचे दिए गए नंबर पे, और आप लोगों को एक कोटेशन मोटा मोटी बजट की, भैया 1.5-1.80 के बीच हो जाएगा, 1.5 के बीच हो जाएगा, काइंड ऑफ बजट आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी जब आप विजिट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी स्पीकर का, डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्ट टच एंड क्वालिटी, ग्लोसी चाहिए नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कौन सी क्वालिटी में चाहिए, तो आप लोगों को जब आप काउंटर विजिट करेंगे तो आपके बजट के अंदर वो भी हो जाएगा। तो पसंद आइए तो लाइक करें बिना मत जाना, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। देखकर गाड़ी, अब जानते हैं कि इतनी दूर से आने की क्या स्टोरी रहने वाली है, MH01 से दिल्ली का क्या स्टोरी रहने वाली है। कैसे है भैया आप? मैं बढ़िया, आप कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? आदित्य नाम है। भैया यहाँ दिल्ली तक आने की क्या स्टोरी रहने वाली है? एक्चुअली हमने गाड़ी लिया था, एक लास्ट मंथ ही लिया था गाड़ी, और उस पर हम लोगों को बहुत सारा काम करना था। एक तो अलॉयज थे ये सारा, पूरा DRL और ग्रिल वाला सिस्टम जो है वो चेंज करवाना था। और बाद में हम लोग ने YouTube पे वीडियो स्टार्ट किए, पहले तो कि करोल बाग में वगैरह कैसा चलता है ये सब, बाद में सर्चिंग वगैरह किया तो आपका वीडियोस दिखे YouTube पे, तो इसके तरफ से हम लोग अच्छा लगा हमको, प्राइसिंग वगैरह भी, और उसकी वजह से आए हम लोग। ठीक है, काम हमने करके दिखाया, वो कैसा लगा? बेस्ट काम है सर्विस जो भैया, तो ये क्रोम आता है ये हमने करके दिखाया, कैसा लगा? ये बढ़िया लगा, क्योंकि ये क्रोम नहीं आ रहा था पहले, तो आपने वो ब्लैक ये कर दिया, डीक्रोम कर दिया, वो अच्छा लग रहा है एकदम बढ़िया। तो भैया कितना किलोमीटर होगा आपके वहाँ से? आपका जाने का 1500, आने का 1500, 3000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया एक तरीके से, मोटा मोटा है ना। तो भाई 3000 ट्रैवल करना वर्थ इट है यहाँ पर आने का? प्रॉपर वर्थ है। सिर्फ एक है कि मुंबई टू दिल्ली वाला एक्सप्रेस वे पूरा हो जाए तो फिर मजा आ जाए। मुंबई में दादर से रहते हैं हम, दादर में रहते हैं। ठीक है, दादर से आए। कोई मुंबई से ही सोच रहा है आपकी वीडियो देखकर यहाँ पर आने के लिए, तो उसको क्या सजाओ दोगे, कुछ टिप्स दोगे उसको? हाँ, आ जाए पक्का, क्योंकि वर्थ इट है यहाँ पे आना, यहाँ पे काम सब अच्छा हो रहा है और अच्छे से ख्याल भी रखा जा रहा है। सीट कवर हमने लगाया, वो ओरिजिनल कैसे? हाँ, वो अच्छा लगा, क्योंकि डिजाइन वगैरह भी एक्स लाइन जी टी लाइन वाला है प्रॉपर, वही अच्छा लगा। ठीक है जी। ऑल ओवर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो कितना सेटिस्फाइड है काम से? 10 में से बोलो तो 10। 10 में से 10 फुली सेटिस्फाइड? फुली। डिस्काउंट में कितना सेटिस्फाइड है? डिस्काउंट तो देना ही चाहिए क्योंकि मुंबई से आए इतना लंबा। बिल्कुल, तो उसमें भी प्राइसिंग में सेटिस्फाइड है? बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी। और अगर आपसे एक सवाल पूछते हैं, मुंबई में जो शॉप्स हैं तो उनसे एक एज अ कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर दिल्ली को प्रेफर करते हैं या फिर मुंबई को प्रेफर करते हैं? पहली बात तो मुंबई में हम लोगों ने देखा ही नहीं है प्राइसिंग का, सीधा यहाँ पे देखा आके, कि मुंबई में तो पता है। ठीक है जी, दिल्ली का आने का मजा आ गया पूरा, मजा रोड ट्रिप भी हो गया एक जी, दिल खोल के पैसा खर्चा है गाड़ी पे। ठीक है जी, आप फुली टॉप मॉडल लेके जा रहे हैं? यस सर। ठीक है जी, तो भाई इतनी कुछ थी अपनी आज की वीडियो, करता हूँ अच्छी लगेगी।